सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ दुनिया में कोरोना का खतरा, चीनी दवाइयां बेअसर, जेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस। 10 लाख केस, बिल्कुल सही सुना। अब फाइजर की ड्रग बांटेगी जिनपिंग सरकार। कोरोना मामले बढ़ने के बाद चीन ने 24 दिसंबर को बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने 8 जनवरी से बॉर्डर खोलने का फैसला किया। वहीं चीन के जेजियांग प्रोविंसिंग में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहां एक दिन में कोरोना के 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने फैसला किया है कि वो कोरोना से निपटने के लिए फाइजर के कोविड ड्रग का इस्तेमाल शुरू करेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में चीन के स्वास्थ्य केंद्रों पर फाइजर के पैक्सलोविड कोविड दवा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इस पर पूरी ट्रेनिंग मिलने के बाद कम्युनिटी डॉक्टर्स इसे कोरोना के मरीजों में बांटेंगे। स्वास्थ्य मंत्री विज का ऐलान, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को मिलेगी 2500 रुपए पेंशन। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुर्लभ बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। प्रदेश में इसके मरीजों की संख्या 400 से 500 है। भाजपा विधायक असीम गोयल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये घोषणा की है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 के मरीजों को 2500 रुपए महीना मदद देने का ऐलान किया था। यूपी के अस्पतालों में मॉकड्रिल को जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम। अस्पताल में युवक को अपनी सदरी उतार कर दी। यूपी के अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार आज सुबह 10 बजे मॉकड्रिल शुरू की गई। इसके तहत कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक खुद भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में पहुंच गए और अफसरों व चिकित्सकों से इस दौरान उन्होंने जानकारी ली। मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में की जा रही है। आज भी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में, पूरा उत्तर भारत ठंड से कांपा। अगले 2 दिन तक सर्दी का सितम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली NCR में सोमवार को लोगों ने कड़ाके की ठंड का सामना किया और मंगलवार सुबह दिल्ली में शीतलहर जारी रहने के कारण घना कोहरा देखा गया है। साथ ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। नए साल तक अभी तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। 2 दिन अभी शीतलहर और सर्दी परेशान करती रहेगी। मानवता के इतिहास में छोटे साहिबजादों का बलिदान बेमिसाल। सीएम मान ने साहिबजादों को भेंट की श्रद्धांजलि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि छोटे साहिबजादों का महान और अद्वितीय बलिदान मानवता को जुल्म, दमन और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली में सोमवार को बीते दिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने छोटी उम्र में शहादत प्राप्त कर सरहिंद के सूबे के अत्याचार के खिलाफ बेमिसाल साहस और निडरता का सबूत दिया। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल CityWeb को। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।